हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खेमाज व्लॉग। और मैं जा रही हूँ पठानकोट अमृतसर से, और मैं अकेले ही जा रही हूँ आज, बाय ट्रेन जा रही हूँ, अकेले ही फर्स्ट टाइम अमृतसर से अकेले जा रही हूँ। तो देखते हैं सफ़र कैसे जाता है, बिकॉज उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको पहुँच के बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे फटाफट निकलना है, लेट हो रही हूँ, सुबह के 6 बजे हैं अभी। तो अभी मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और सुबह मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए हैं। जब मैं पहुंच गई हूँ घर पे, पहुंच के सबसे पहले तो मैंने खाना खाया, बहुत भूख लगी थी। और हाँ, आपको मैं बता दूँ, एक्चुअली शादी है मेरा रिलेटिव्स के यहाँ, तो वहाँ मैं जा रही हूँ अभी। और सुहू को छुट्टी है नहीं है, इसीलिए मैं अकेले आ गई। और यहाँ से मॉम डैड के साथ जाऊँगी मैं शादी वाले घर में। तो अब फटाफट मुझे फ्रेश होना है, रेडी होना है, उसके बाद सामान भी सारा पैक करने वाला पड़ा है, पता नहीं कब आ जाएंगे मॉम डैड, तो फटाफट काम कर लेती हूँ अब। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। ये मेरा सूट फेवरेट है, बिकॉज इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है। अब पता नहीं कब तक चलेगा ये। और आपको सामान और ये देखो, मेरा सामान भी रेडी हो गया सारा। सो अब मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में मम डैड के साथ, भाभी भी हैं, और अब हम जा रहे हैं। भाभी जी कहाँ जा रहे हैं? चलो बालों की हालत देखो, इतनी ख़राब हो चुकी है। हम लखनपुर में रुके हैं, लखनपुर के फेमस पल्ले वो खाने वाले हैं, बहुत ही नाम है पल्लों का। पल्ले खाएंगे। ये देखो पल्ले, अगर आप कभी इस रूट से विजिट करोगे, रास्ते में लखनपुर आएगा, यानी कि अगर आप कभी पठानकोट से जम्मू जाओगे, जम्मू वाली साइड कहीं भी जाओगे, रास्ते में लखनपुर आएगा, तो ये पल्ले ज़रूर खाते हुए जाना, बहुत टेस्टी है और बहुत मशहूर है लखनपुर के पल्ले। सो अब हम शादी वाले घर में पहुंच गए हैं। बड़ी देर से पहुंचे हुए थे, बट टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। खाना खाया और बस खातिरदारी करवाई। अब बाकी क्या हो रहा है अभी रात को, अभी कुछ नहीं पता है। वैसे इनका कुछ जागो निकालने का प्लान है, तो मौका मिलेगा, बिकॉज सब किसी के घर में शादी में सब रिलेटिव्स के सामने वीडियो बनाना भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, बट फिर भी कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में सब कुछ, मतलब जो भी रस्म वगैरह होती है, क्या हो रहा है शादी में, सब दिखाने की। सो ब्लॉग में बने रहिए। सो अभी बहुत अंधेरा, अभी मैं आपको ना शादी वाला घर दिखाती हूँ। अब हम अंदर एंटर होते हैं, वैसे तो काफ़ी देर के हो चुके हैं, स्पेशल आपको शादी का घर दिखाने के लिए एंटर हुई हूँ। Thank you.
होगा डांस कर करके, इस टाइम बुरी हालत है। अब नींद तो बहुत ही अच्छी आने वाली है मुझे लगता है। क्या बोल रहा हूँ? सो गाइज, मैंने चेंज कर लिया है बिकॉज अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ। आपने देखा ही होगा डांस कर करके बुरी हालत है, इस टाइम पाँव की बुरी हालत है। अभी कल भी हमें जाना है फंक्शन में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।